आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई, और चिकन फ्राई बनाएंगे तल के नहीं, फ्राई करके बनाएंगे। तो चिकन ले लिया है हमने करी कट, ठीक है, हड्डी वाला पीस है, और बहुत बड़े पीस नहीं, स्मॉल पीस है। तो अब हम इसको मैरिनेशन कर लेते हैं। और चिकन है हमारा 600 ग्राम, नमक थोड़ा सा, 1 टीस्पून भर के देगी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 लेमन, 50 ml जितना इमली का पानी डाल देंगे। खटास तो दोनों में रहता है, लेकिन इमली का खटास जो है वो कुछ अलग है, और लेमन जो है वो कुछ अलग है। और डाल देंगे इसके अंदर 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। तो फिर इसे हम मिक्स करके और रख देते हैं। अब कुछ मसाले हम कूट लेंगे, 2 हरी मिर्च, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, 2 इंच अदरक, 7 कली लहसुन, इसे हम कूट लेंगे। ये मसाला भी हमारा, तो अब थोड़ा हम मसाला भी रोस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमने 5 लिया है इलायची, 1 स्टार फूल, 5-6 लौंग, दालचीनी लकड़ी 1 इंची जितना, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा जावित्री, 1-2 पीस जितना तेजपत्ता, 1 मोटी इलायची, काली मिर्च, 2 टीस्पून धनिया साबुत, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून खसखस, और 1 टीस्पून कलौंजी, 1/4 नटमेग। अब इनको भून लेते हैं, 2-3 मिनट जितना भून लेंगे। तो मसाला हमारा भून चुका है, अब इसको ठंडा करके पीस लेंगे। पूरा मिर्चा तो हमारा रेडी हो गया है, और अब स्टार्ट करते हैं हम बनाने के लिए। तो पहले हम डाल देंगे एक थोड़ा सा, 2-3 टेबल स्पून जितना तेल। उसके बाद डायरेक्ट आपको अदरक लहसुन मिर्ची जो कूटा था हमने उसको डाल देना है, और बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। दो सौ ग्राम जितना प्याज, अब डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता हम, तेल थोड़ा सा हम 2 टेबल स्पून जितना और डाल देंगे। तेल थोड़ा सा कम लग रहा है, एक्चुअली हम तेल इस वजह से कम डाल रहे हैं क्योंकि बाद में हमें डालना है बटर। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि हमें प्याज उतना ही पकाना है, ट्रांसपेरेंट जितना हो जाए बस इनफ है। चिकन मैरिनेशन किया था वो पूरा हम डाल देंगे। अब इसको हम पकाएंगे धीरे धीरे, इसी तरह भूनेंगे। बॉल में हमारे कुछ मसाले थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उसको हम पानी के साथ हमने डाल दिया है। बटर डाल देंगे हम इसके अंदर अब 100 ग्राम। अब ये धीरे धीरे इसी के अंदर पकते रहेगा, और थोड़ी देर के लिए हम इसको बंद कर देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, अब इसके अंदर जो हमने मसाला पीसा था वो 2 टीस्पून भर भर के डाल देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, आप देगी मिर्च भी डाल सकते हो, कलर के लिए कश्मीरी मिर्ची बहुत बढ़िया रहता है। अब डाल देंगे ढेर सारा धनिया, उसके बाद मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो नमक थोड़ा सा हम और डाल देते हैं, क्योंकि पहले हमने बहुत कम डाला था। उसके बाद मिक्स करके और इसे बंद करके हम छोड़ देते हैं थोड़ा और पकने के लिए।
तो ये रेसिपी बहुत खास खास रेस्टोरेंट में होते हैं, अच्छी कंडीशन के रेस्टोरेंट में पाए जाते हैं और बहुत ही सिंपल है और खाने में लाजवाब है। एक बार ट्राई जरूर करिए और आपको रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चिकन तकरीबन हमारा पक चुका है, बस अब इसे हमें भून लेना है क्योंकि ग्रेवी हमें ज्यादा नहीं चाहिए, चिकन तला हुआ के जैसा लगना चाहिए आपको, भले वो हम बनाते हैं फ्राई से। ठीक है, तो गाइस हो गया रेडी, अब गैस बंद और सर्व कर देते हैं। हो गया फ्राई चिकन हमारा।